हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिजात कुरैशी, आपका होस्ट न्यू पिजन स्टार्स के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब बड़े खैरियत से और फिट फाट होंगे। जैसे कि आज हमारी वीडियो है, आज हम आपको बताएंगे दाना मिक्स करने का तरीका, दाना कबूतरों का बनाना कैसे है। मेरे नए कबूतर परवर जो हैं उनको होगा कि वो बाजार जाते होंगे। हाँ, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको मार्केट का विजिट करवाया था कि मार्केट में कौन कौन सी जगह पे दाना पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ मार्केट से लोग ले लें, रेट वगैरह पूछ लें। आजकल तो वैसे दाना बड़ा महंगा हुआ है। अच्छा, वहां पे आपने देखा होगा मुख्तलिफ दाने की क्वालिटीज थी। एक दाना दाल दाना होता है जिसमें सब कुछ छोटे छोटे गंदे गंदे से चने मिक्स किए होते हैं, गंदा गंदा सा वो दाना होता है, वो क्वालिटी लो होती है, 60 रुपए का वो किलो मिल रहा था। लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा ले लें। देखें, खाना आप अपने लिए क्या गंदा पसंद करेंगे, क्या आप करेंगे आप बासी रोटी खाएं? इसी तरह कबूतर का भी है। कबूतर भी कभी ये नहीं चाहेगा कि हाँ जी उसको बासी खाना मिलता रहे, यानी कि गंदा मट्टी वाला खाना जिसको कहते हैं। मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया था, अपने दाने को पैक करके बाल्टी के अंदर रखें। तो आज जी तारक हमारे साथ है जी। तारक हमारा बड़ी हेल्प करवाता है, तो तारक के साथ आज हम हेल्प उसकी लेंगे और साथ देखेंगे हमने दाना कैसा लिया मार्केट से। हमने जी अपना आपको बताया था दाना, हम मार्केट के जब आपको विजिट करवाया हमने दाना वहां से खरीद लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दाना हम कबूतरों को साफ सुथरा और कौन कौन सा दाना कितनी मिकदार में डालते हैं। मिकदार का तायुन करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अपने सारे कबूतर परवर जो हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो सब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है। इसलिए मैं उनको ये नहीं कह रहा कि आप भी बोरियां भर भर के दाना लें। अफोर्डेबिलिटी की बात है। अगर आप नहीं ला सकते, आप 5 किलो 5 5 किलो सब दाना का मिक्स कर लें, 4 किलो का बना लें, 20 किलो का बना लें, 4 मुख्तलिफ दानों का मिक्सचर कर लें। लाजमी नहीं आप बोरियां भर के लाएं। अब जिस तरह मैं दाना लेके आया हूँ जी, 50 किलो की बाजरे की बोरी, 50 किलो की जी चने की बोरी, तो 50 किलो लेके आया हूँ जी गंदम, और 50 किलो मैं लेके आया हूँ दाल दाना। अब ये 4 मुख्तलिफ तरह के दाने हैं। अच्छा, अब ये क्वांटिटी 50-50 किलो के हिसाब से ये बन जाती है 200 की। लेकिन आज हम जो दाना मिक्स करेंगे, आज हम 100 किलो का दाना बनाएंगे। 100 किलो का जो होगा, बाकी जो होगा वो हम रख लेंगे नेक्स्ट दाना बनाने के लिए, ताकि उसको लाजमी थोड़ी या बोरी से सारा ही दाना निकाल के बना लें, इसको फिर बना लेंगे। 100 किलो दाने के अंदर 4 दाने मुख्तलिफ, बाजरा अपना 25 किलो, 25 किलो दाल दाना, 25 किलो कनक, 25 किलो काले चने। काले चने की क्वांटिटी याद रखिएगा, जो ब्रीडर कबूतर यानी कि जिन्होंने जोड़े रखे होते हैं, जिन दोस्तों ने जोड़ों के लिए चने होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों जरूरी है, दाना तो सदा नहीं है। देखें, मुख्तलिफ कबूतर जो हजम करता है दाने की क्वांटिटी को, अब जिस तरह बाजरा है, 4 घंटे में बाजरा हजम कर लेता है कबूतर। कनक डालेंगे, कनक 5-6 घंटे में अपना कर लेगा। चने वाहिद एक चीज है जो लॉन्ग टर्म तक मैदे में रहती है। 8-10 घंटे काले चने कबूतर के मैदे में रहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन की हुई है हमने। अब जब जोड़ों वालों को आप चने देंगे, वो भूखे नहीं रहेंगे, और जब वो अपने बच्चों को दाना खिलाएंगे वो भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि चने वो मैक्सिमम उनको जब अपने मुंह से इनपुट उनको देंगे, सॉरी आउटपुट देंगे उनको, तो उनके जब चने मैदे में, बच्चे के छोटे बच्चे के मैदे में जाएगा, तो वो ज्यादा टाइम तक भूख को बर्दाश्त उसको नहीं करनी पड़ेगी, उसको भूख लगेगी नहीं। इसलिए चनों का होना बहुत जरूरी है। और उड़ने वाले कबूतरों को जब वो तैयार हो जाए तब तो नहीं, तब तो कम चने डालें, लेकिन जब वो पर खेंचे होते हैं, जिस तरह अब असू आने वाला है, असूज का महीना है, स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले लोगों ने पर खेंचे हुए हैं। कबूतर का सेहतमंद बड़ा होना जरूरी है, कबूतर का खुराक की जरूरत होती है। अब खुराक कौन सी है, चने भी डालें उनको, भोरों के साथ थोड़े थोड़े चने भी डालें, ताकतवर है। खैर, आए जी हम देखते हैं कि हम अपना किस्सा करने लगे हैं। तारिक, ये आप दाल दाना से ले जी। दाल दाना हमने पहले ही 50 किलो की बोरी में से 25 किलो हमने अलहदा कर लिया। ये जी तारक, अब डालने का जरा देखिएगा, तारक जरा खोल के सारा एक कॉर्नर हमने डिसाइड कर लिया आपको दिखाने के लिए कि आपको वीडियो कैसे बनाए। देखिए, दाल दाने की मैंने आपको मार्केट में बताया था 2-3 तरह की किस्में, गंदी गंदी सी, गंदे गंदे दाल, 60 रुपए किलो वाला हमने लिए जी, 80 रुपए किलो वाला, जिसमें आप देखें फ्रेशनेस देखें दाने की, साफ सुथरा, मट्टी भी नहीं है। ये जी 25 किलो है, 25 किलो जो है, जो 50 किलो की बोरी में से मैंने 25 किलो निकाल लिया था, 25 किलो मैंने संभाल लिया नेक्स्ट दाना बनाने के लिए। अच्छा जी, ये डाले जी आप 25 किलो दाल दाने के साथ 25 किलो हम इसमें कनक मिक्स करेंगे, और साथ मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा चीज, काले बीज, सूरजमुखी के काले बीज, वो लाजमी डालते हैं। एक मिनट दिखा, ये देखिए
ये वो काले बीज होते हैं। मैं आपको करीब से दिखा दूं, ये सूरजमुखी के काले बीज हैं। ये कबूतर को डालना बहुत जरूरी है, चाहे जोड़े वाले हों। आप देखें मैदा खराब नहीं करने देंगे। ये देखें, ये थी 25 किलो कनक हमने मिक्स की दाल दाने में, और 5 किलो मैंने इसमें काले बीज डलवाए हैं। ये काले बीज थोड़े महंगे हैं, मैं कबूतरबाजों को पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये महंगे इस सेंस में है कि ये 250 रुपए के किलो हो गए हैं। कभी ये 150 रुपए के किलो थे, आप 250 रुपए के ये किलो हो गए हैं। है जी, ये बन गया 50 किलो अपना, 25 किलो दाल दाना, 25 किलो कनक, और 5 किलो हमने इसमें ये जो एडिंग की है इसमें ये काले बीजों की, ये जरा देख लें आप भी। 100 किलो के अंदर 5 किलो काले बीज इनफ है, कोई ज्यादा नहीं है। 100 किलो दाने के अंदर 25 किलो काले चने होने बड़े जरूरी है, क्योंकि काले चने बेसिक है जोड़ों वाले के लिए भी और रोने वालों के लिए भी। ले जी डालें आप जरा उसमें 25 किलो की ऐड करें। ये अभी मैंने वो निकाल नहीं सका था, तो इसमें ये 50 किलो की बोरी है चने की, काले चनों की। तो काले चने बस ये आधा 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 डाल दो बस यार, मैंने आधा कहा यार, आधे हाँ आधे डाल दो ना, ज्यादा डाल गए हैं आप, इसको निकालो इसमें डाल दो। मैंने कहा भी आराम से डाल दो, लेकिन वो ज्यादा ही निकल गए, कुछ ज्यादा चने डल गए। ये ना हो कि ज्यादा चने, कुछ ज्यादा ही डाल दें, ऊपर ऊपर से डालना सारे, ऊपर सारे डाल दो, ये सारे वापस कर दो। हाँ ये ऊपर पर सारे वापस, ये ज्यादा है। ले जी ये 25 किलो चने जो थे हमने उसमें डाल दिए, 50 किलो की हम बोरी लेके आए थे, और उसमें से ये हमारे पास 25 किलो आ गए। ये ऊपर आ गया, आ गया कैसे, ये हाथ मार दो पूरा कुछ डाल। ले जी ये 25 किलो चने भी हमने डाल दिए। अच्छा जी, अब जरा ये बाजरा, अब बाजरा ऐसे ना उठाना, आराम से उठाना जरा, ताकि हमारे नाज़रीन जरा देख सके कि किस तरह बन रहा है। आराम से करना, हाँ ऐसे, ये करें जी, करें करें डालें थोड़ी और। ये देखें जी बाजरा बरनाले का ओरिजिनल बाजरा है, मैं बड़ा चेक करके लेके आया हूँ। आप कभी दुकान पर जाएं और आपको बाजरा जरा जुड़ा जुड़ा सा लगे, यानी कि इकट्ठा हुआ सा, तो बिल्कुल ना लें। या सफेद बाजरा आपको लगे ज्यादा है तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये बाजरा पानी लगा होता है, खराब होता है वो बाजरा। दुकानदार कहते हैं ओ जी कुछ भी नहीं है, तो बोरी में बड़ा बड़ा नमी लगी, नमी नहीं लगी, वो पुराना बाजरा है और वो खराब बाजरा है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये अंडरस्टूड बात है। थोड़ा सा एक इसमें डोंगा और डालें। ले जी ये आधी बोरी बाजरे की डल के इसके अंदर, जैसा कि आपने देखा ये आधी बोरी हमने 25 किलो जो है बाजरा डाल दिया। अभी आपको समझ आ गई, ये थोड़ा सा जो दाना आपको लग रहा है ये 100 किलो दाना बन गया हुआ है, ये जो आपको थोड़ा सा बिल्कुल लग रहा है। अच्छा जी तारिक साहब आए जरा इसको, अब जी इसकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग कैसे करनी है आइए तारिक आपको बताते हैं। ये आराम आराम से दो दफा इसको पुलटाएंगे दाने को, ताकि टोटल दाना मिक्स हो जाए, और जब आप इसको डालें, तारिक आप थोड़ा मूंद कर लेना ताकि इस तरफ सबको पता चल जाए। ऐसे लेंगी, ये देखें आराम से आराम से आराम से आराम से मिक्स करना है। ये देखें जी, ये नीचे से ऐसे हाथ को करके उल्टा रहे हैं, ताकि दाना इक्वल पोर्शन में टोटल जो है मिक्स हो जाए। आप सोच रहे होंगे जी कि ये दाना पता नहीं मेरा कोई एक साल चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ही तकरीबन जोड़े हैं कोई 15 कोई 27 या 28 जोड़े हैं मेरे पास। आप 27-28 जोड़ों का मतलब है कि तकरीबन 60-65 कबूतर है मेरे पास। अब आप ये सोचें कि ये एक दाना जो है, अगर फर्ज कर लें मेरे कबूतर 2 किलो डेली का दाना खाते हैं, मैं फर्ज कर रहा हूँ खाते 2 किलो से ज्यादा ही है, मतलब हुआ कि 30 दिनों में ये 60 किलो दाना खाएंगे, इससे भी 10% ज्यादा। और मैं आपको बता रहा हूँ 65 किलो मेरा दाना एक महीने में लगता है इन जोड़ों पे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने नए देखने वालों से, देखें बताने का मकसद क्या है कि आप सीखें इस चीज को कि उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, दाने की आपने कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है अपने आप को। अगर तो फर्ज कर लें आप कि आपके पास बजट कम है, तो कबूतर भी कम रखिएगा, जितना महंगा दाना है नहीं अफोर्डेबल। अच्छे कबूतर थोड़े रख लें, 4 जोड़े अच्छे नस्ली वाले रख लें इनाफ आपके लिए। ये देखें जी इसमें मुझे बाजरा कम लग रहा है तारिक, इसमें आप 5 डोंगे और इसमें बाजरे के डाल के ना फिर बढ़ाए इसको। ले जी एक बार पलटा इन्होंने कर लिया इसको,
मुझे इसमें बाजरा थोड़ा कम लगा है, हम इसमें 5 डोंगे और बाजरे के डाल देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। और देखें साफ सुथरी कनक 25 किलो, साफ सुथरा बाजरा 25 किलो, साफ सुथरा दाल दाना 25 किलो और साफ सुथरा चने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 25 किलो। 100 किलो के दाना, 100 किलो के दाने के अंदर बस एक डोंगा डाल दो, 100 किलो दाने के अंदर 5 किलो काले बीज इनफ है। काले बीज कबूतर की परों के लिए एक मुलायमत रखते हैं, उनके कबूतर को जिसे कहते हैं हर तरह से उसको गर्म रखता है। देखिए हम कहते हैं कि जी कबूतर को गर्म खुराक ज़्यादा देनी, कबूतर देखिए मैं ये नहीं कहता आप उसको, ये जो अक्सर उस्ताद हज़रात में बड़ी माजरत के साथ मैं किसी का कोई मजाक नहीं करने लगा, मैं देखा है क्योंकि तजर्बे में देखा है गर्म पानी बना देंगे और गर्म पानी भी वो जो उस्तादों को जिनके अपने शागिर्दों को बताएंगे उस शागिर्द क्या करेगा जी, उसने बताया था जी चुटकी डालनी है, वो भी कहेगा जी 8-10 पूरी तोड़ियाँ डाल देगा गर्म मिर्च होगी, अब वो जी बोतल जब वो रंग निकालेगा उसका उसने कहना नहीं यार उस्ताद को लगता पसंद नहीं आया, हम जी इसको ऐसा करेंगे जी अब ज्यादा मजीद गाढ़ा करते हैं, वो उसी चक्कर में गाढ़े के चक्कर में काला स्याह पानी बना देते हैं। अब जब कबूतर को बनाते हैं कबूतर बेचारा कहता है जी गर्म पानी होता है, कबूतर ही अंदर से बेचारा चल जाता है, जो एक बड़ा बैड फैक्टर है। इसलिए बड़ा ध्यान से इसको करना है आपने। ले जी आपको समझ आ गया हमने किस तरह ये दाना मेरा तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 महीने चलना है, 1 महीना और 20-25 दिन 100 किलो मेरा दाना लगता है। ये एक समझाने का तरीका था, मैंने आपको पहले बताया है जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो बोरियों के चक्कर में मत पड़े, 4-5 किलो ले लें, 5 किलो बाजरा कनक, 5 किलो 5 किलो दाल दाना, 5 किलो चने मिक्स कर लें। चलें अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है आप चनों को स्किप कर दें, इस तरह करके आप बना लें। तो इस तरह करके जब आप बनाएंगे तो आपकी पूरी डाइट एक बन जाएगी। ठीक हो गया जी। ले जी अब आप जरा बोरी में डाल के बताएं किस तरह डालें, बोरी में डालें। ले जी हम अपनी एक्सट्राम करते हैं अपना, तो ये बोरी में डालते हैं और देखें जी कैसे फिट हो रहा है। तारक बनाए जरा, मुझे उम्मीद है मेरे नए न्यू कबूतर परवर व्यूवर्स जो हैं, ये वीडियोस मैं सबके लिए बनाता हूँ लेकिन मैंने बताया कि मैं न्यू व्यूवर्स के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि उनको कोई सीखने में कोई परेशानी ना आए, समझने में परेशानी ना आए, वो फिट रहे सारे। देखें जी इस तरह आप बोरी फाड़ लें, एक बोरी में आप 40 किलो से ज़्यादा ना डालें, 50 किलो की बोरी होती है, ये देखें ये तारिक ने अब 40 किलो की एक बोरी बना लेगा, दैट्स इनफ है बोरी। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो देख के दाना कैसे बनाना है समझ आ गई होगी। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह हम आपको नए से नए टिप्स और अपना बड़ा बताते रहेंगे। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुशियाँ बांटें अपने लिए और अपने रिश्तेदारों में, खुशियाँ बांटें सबके लिए खुशी का बायस बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ तारिक, अल्लाह हाफिज़ को भी सारों को नीचे होके तुम्हें नजर भी, अल्लाह हाफिज़।